मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, आप सभी आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, किसान मजदूर भाइयों को, दुकानदार दोस्तों को, खून पसीने की कमाई मेहनत से अपने घर परिवार का पालन पोषण करने वाले मेहनतकश लोगों को, छात्रों को, नौजवान दोस्तों को और प्यारे बच्चों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चुनाव है और चुनाव के इस दौर में चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह के प्राणी आपके बीच आ रहे हैं और ये आपसे वादा कर रहे होंगे कि आपके लिए वो सबसे बेहतर आदमी है और आपके लिए वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए और आपके मन में ये बात आती भी होगी कि सब झूठ बोलता है, थक के जाता है, एक बार जीत जाता है दोबारा देखने नहीं आता है। अभी हाथ जोड़ रहा है, कल को अगर हमको काम होगा तो उसके घर के बाहर हम हाथ जोड़ करके खड़े रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सही बात है। ऐसा क्यों होता है ये सोच के बताइए कि ऐसा क्यों होता है? सर ये तो छठी हम बलवान है। ऐसा होता है कि हम नेता चुनते हैं और नेता आज के डेट में वो बनना चाहता है जिसको जीवन में और कुछ नहीं करना है। सबसे खराब माल, सबसे रद्दी, जिसको कहते हैं स्क्रैप, जो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है वो नेतागिरी में उतर जाता है। क्या हम वही प्रक्रिया दोबारा इस साल भी, इस चुनाव में भी करना चाहते हैं? अगर वही करना है और वही हम करना चाहते हैं तो ऐसा क्या हुआ है कि टीवी पे रोज बेगूसराय की चर्चा हो रही है? चुनाव तो हर बार होता है ना, चुनाव तो 2014 में भी हुआ था। अगली बार कर रहे कुमार है, राजेंद्र बाबू लड़े थे, तनवीर हसन लड़े थे, तो चुनाव तो पिछली बार भी हुआ था। तो पिछली बार भी टीवी पे इतनी चर्चा हो रही थी बेगूसराय की क्या? इस बात को समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेगूसराय के लोगों को इस बार इस देश में इतिहास बनाने का मौका मिला है और पूरा देश और पूरी दुनिया जो बेगूसराय को देख रही है, तो बेगूसराय को एक संदेशा देना पड़ेगा पूरे देश में कि नेता का बेटा नेता बने, मंत्री का बेटा मंत्री बने, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने। अगर वही यहाँ भी होगा कि मंत्री जी आएंगे मंदिर मंदिर घूम करके कहेंगे इस बार हमको वोट दे दीजिए, तो सवाल पूछा जाएगा ना उनसे कि आप कह रहे थे कि हम कुछ हो जाएगा हम बेगूसराय नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में हम नवादा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा क्या हो गया कि आप बेगूसराय आ गए? लोग टिकट लेने के लिए दिल्ली जाता है, आप टिकट लौटाने के लिए दिल्ली गए थे कोप भवन में ठेके कई की तरह, तो ऐसा कौन सा वचन आपको मिला है आपके अमित शाह के जी के यहां से? कौन सी ऐसी बात हुई है कि आप उल्टे पांव बेगूसराय आए और गंगा टपते ही राजेंद्र पुल पे क्रॉस करते ही कहते हैं कि बेगूसराय मेरा नानी घर है? तब नानी याद नहीं आई थी? तब नानी क्यों नहीं याद आई थी? अभी नानी क्यों याद आ रही है? अब प्रचार देखो की विच घूम यार मोहल्ला में जाकर वह आदमी पान एक खिली खा ले छा, एक खिली रख ले पत्ता में बहन कर गलत तरी से कसेली दुख बेसी दे दी है 300-500 बढ़ाई दियो तनी देवी में ले लग दसला पत्ता ओकर बाद जे छै से पहले ई टोला में भोरे कर जाना छ होए ओकरा वोट छै ओकरा बेटो एक लोग वोट नहीं दे रहल ओकर जमाना जब्त भ जेतै तो हमर जमाना जब्त हो जेतै तो तू मिठाई बांटिया तोरा खुशी मनैया तोरा की दिक्कत तोरा कौन बात पे तकलीफ? क्या तू जाना छे कि तो जमाना जब्त न होते अभी हरदी चुना लगा दे बन यार कर ई कला माय घोरे कला जमाना जब्त हो जेते अब ओकरा वो बात के साबित करल के ना बोलते
तो बीके में वोट में लोग दे रहे हैं। अब बीहट जाए कहते हैं भोरे के लिए ना मधुरापुर में ओकरा वोट छे तोरा बीहट के लोग दे छो वोट दे दो लेकिन मधुरापुर में कोई नहीं वोट दे एक आदमी जो है जी जी कहियो न नहीं बतिए एहन बात कह रही हन एहन बात कह रही हन भोर गेले मधुरापुर कहलके बिहट में वोट नहीं है साँझ बिहट में कहलके मधुरापुर में वोट नहीं है।